फ्रेंड्स, अगर इसका इंजन का बात करें तो इंजन जो है सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, ट्विन स्पार्क और एयर कूल्ड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 346 सीसी है। इसका मैक्सिमम पावर जो है 19.8 bhp है। क्लच जो है वेट मल्टीप्लेट है और गियर इसमें 5 गियर है, जिसमें कि एक डाउन है, 4 अप है। ठीक है, फ्यूल सप्लाई जो है 29 mm, कांस्टेंट बैकअप कार्बोरेटर है और इंजन जो स्टार्ट होता है वो सेल्फ से स्टार्ट होता है और किक, सेल्फ और किक दोनों का से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ब्रेक का बात करें तो फ्रंट ब्रेक जो है वो है 280 mm डबल पिस्टन कॉलीपर है। ठीक है, और रेयर ब्रेक जो डिस्क ब्रेक है वो बिल्कुल नया है, अपग्रेडेड वर्जन है। तो रेयर डिस्क ब्रेक जो है वो है 240 mm का है, सिंगल पिस्टन कॉलीपर है। ठीक है, फ्रंट और रेयर दोनों ही डिस्क ब्रेक है। ओके, हेडलैम्प जो है वो है 55-60 वाट का है, हैलोजन बल्ब है। ओके, और डायमेंशन का अगर बात करें इसका तो व्हील बेस जो है 1370 mm का है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है 135 mm है और लेंथ जो है 2160 mm है और वाइड जो है 790 mm विदाउट मिरर। ठीक है, बिना मिरर का जिसका वाइड है वह 790 mm और हाइट जो है 1090 mm का है, वो भी विदाउट मिरर का। और ओवरऑल इसका वेट जो है वो है 192 kg। ठीक है, वो भी अगर इसमें 90% फ्यूल भरा हुआ है तब इसका वेट है 192 kg। ठीक है, अगर फ्यूल कम है या फिर फ्यूल नहीं है तो इसका वेट कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपको इसका साउंड सुनाते हैं। अगर इसमें आपको हैंडल लॉक करना है तो आपको हैंडल लॉक करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा हैंडल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, सॉरी फिर से बता रहे हैं आपको, यहाँ पे ऐसे जाइएगा ऐसे, तो ये हो गया कि हैंडल लॉक आपका हो गया। और गाड़ी स्टार्ट करना है तो गाड़ी आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, गाड़ी का हॉर्न सुनना चाहेंगे? चलिए सुनाते हैं आपको। गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, पूरा मैटी बॉडी है। कलर जो है गनमेटल ग्रे कलर में है और मैट फेसिंग के साथ है। ये पहला गाड़ी है रॉयल एनफील्ड का जो कि गनमेटल ग्रे कलर में है, वो भी मैट फेसिंग के साथ है। पहले ऐसा कोई गाड़ी नहीं आया, मतलब रॉयल एनफील्ड में ऐसा कोई गाड़ी नहीं था जो कि मैट फेसिंग के साथ आया, वो भी ग्रे कलर में। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं BS4 का। तो गाड़ी जो BS4 है मतलब इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, मतलब AHO। तो आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हेडलाइट ऑन हो जाता है, इससे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन रहता है, हेडलाइट अगर कंटिन्यू ऑन रहता है तो उसका जो है एक्सीडेंट रेट थोड़ा घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा सिस्टम आया है। और इससे कुछ प्रॉब्लम भी है और ऐसा सॉल्यूशन भी है, जैसे कि अब प्रॉब्लम ये है कि अगर जहाँ आप गाड़ी कंटिन्यू चला मतलब हेडलाइट ऑन रहता है तो बैटरी बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाएगा और हो जाता भी है। तो इससे प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि मतलब खास करके गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है, सेल्फ तो उसमें स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस संबंध में हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें डिटेल से बताने वाले हैं, बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाह रहे हैं इस संबंध में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि नया वीडियो अगर जब अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका बात करते हैं राइडिंग क्वालिटी का। राइडिंग क्वालिटी बहुत ही एक्सेलेंट है, गाड़ी में बहुत ही स्मूथनेस है और
हैंडलिंग क्वालिटी जो मतलब हैंडलिंग क्वालिटी की बात करें तो बेहतरीन ऑसम एक्सलेंट है, बहुत ही मज़ेदार है, मतलब बहुत ही मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, और हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोड़ा सा आपको ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बड़ा और भारी गाड़ी है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट बाकी बात बहुत ही एक्सलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर ब्रेकिंग का बात करें तो ब्रेकिंग जो है बहुत, चूंकि इस गाड़ी में रेयर ब्रेक जो है और डिस्क लग गया है, तो इससे जो है ब्रेकिंग सिस्टम जो बहुत एडवांस हो गया, जबकि पहले जो रॉयल एनफील्ड था, क्लासिक में रॉयल एनफील्ड था, उसमें किसी में जो है पीछे जो है रेयर ब्रेक जो वो ड्रम हुआ करता था, तो डिस्क नहीं था, तो उससे क्या होता था ना कि मतलब बैलेंस, अगर सही बैलेंस में अगर ब्रेक नहीं मारते थे तो क्या होता था, गाड़ी स्किड कर जाता था, स्लिप कर जाता था। मतलब ब्रेकिंग से आपको ब्रेकिंग का बहुत अच्छा अनुभव रहने पर ही आप उसको मतलब हैंडल कर पाते थे। अब अभी ऐसा है कि बहुत आसानी से मतलब आप हैंडलिंग कर पाइएगा, और हम बहुत बार कोशिश मतलब ब्रेक वेक मारे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब स्किड का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं महसूस किए हम अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि तो कंफर्ट का बात करते हैं, तो कंफर्ट जो है गाड़ी का जो है राइडिंग कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है राइडिंग कंफर्ट। इसके साथ साथ आपका पिलियन सीट जो है वो भी कंफर्टेबल है। पिलियन सीट जो जैसे कि अदर गाड़ी में होता है ना कि पिलियन सीट जो है उतना अच्छा नहीं होता है, तो जो पिलियन सीट उतना अच्छा नहीं होने के कारण होता है कि ज़्यादा दूर तक ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर इस गाड़ी में है पिलियन सीट अच्छा है और गाड़ी की तुलना में कंपेरिजन में, तो आप चाहे तो मेरा 150, 100, 150, 200 किलोमीटर भी पीछे बैठा के किसी को ले जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा चीज़ है। और सीट का बात करें तो सीट बिल्कुल ही स्प्लिट सीट है, अगर आप चाहें तो पीछे वाला सीट जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और गाड़ी का जो सीट का कलर जो है मतलब गन मेटल ग्रे कलर जो गाड़ी का है, और सीट का कलर का जो कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और फ्रेंड अगर वाइब्रेशन का बात करें तो हम 90, 95, 100 तक चला है, तो उतना वाइब्रेशन महसूस नहीं किए अभी तक जितना कि लोग जिस तरह कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि मतलब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है ना कि मतलब गाड़ी को चलाना भी मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो मुझे फिलहाल अभी तक पता नहीं चला, हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो, क्योंकि अभी हम जस्ट फर्स्ट सर्विसिंग कंप्लीट किए हैं, अगर फ्यूचर में मेरे साथ होता है, मेरे गाड़ी के साथ ऐसा होता है कि वाकई में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन महसूस करते हैं, तो आने वाला वीडियो जो है फ्यूचर में जो हम वीडियो अपलोड करेंगे गाड़ी के संबंध में, तो उसमें इस मैटर को जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका परफॉर्मेंस, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो उसका बेहतरीन है, और माइलेज अभी 25 मेरा गाड़ी दे रहा है। चलिए ये हर गाड़ी का अलग अलग होता है, न्यू गाड़ी में एक्चुअली होता है ना कि किसी का 25 दे दिया, किसी का 20 ही देता है, किसी का 30 भी देता है, 32 भी चला गया, स्टार्टिंग में उतना होता है, बाद में एक्चुअल में पास 2-3 सर्विसिंग के बाद पता चलेगा एक्चुअल में कितना माइलेज एक्चुअल में क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं आपका पिकअप का। ठीक है, तो पिकअप का बात जब आता है तो हम ये बोलेंगे कि अगर जहाँ आप स्पोर्टी बाइक कंटिन्यू आप स्पोर्टी बाइक चलाए हैं, स्पोर्ट्स वाला बाइक चलाए हैं, तो शायद आपको इसका पिकअप उतना अच्छा नहीं लगे, खास करके हाईवे पे। ठीक है, सिटी पे तो फिर भी बहुत अच्छा है, पर हाईवे पे बहुत अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि रेसिंग गाड़ी नहीं है, तो शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नरिंग का, तो फिर वही बात आ गया कि अगर जहाँ आप स्पोर्टिंग कंटिन्यू किए हैं तो सारे सब कॉर्नरिंग भी आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कॉर्नरिंग एवरेज है, उतना भी ज्यादा नहीं है, जैसे कि स्पोर्टिंग में होता है ना कि बहुत करते मार के निकल गए, तो उससे नहीं है। ठीक है, तो और नेक्स्ट बात करते हैं, तो जैसे कि स्टार्टिंग जब गाड़ी की मार्केट में आने से पहले बहुत लोग बोल रहा था कि मतलब कि गाड़ी जो है डिजिटल मीटर में आने वाला है या आएगा, ऐसा बोलते थे बहुत सारे लोग, पर एक्चुअल में जब गाड़ी आया तो ऐसा कोई डिजिटल मीटर उसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें एक स्पीडोमीटर है और एक बैटरी नापने के लिए जो होता है ना वो है। ठीक है, और सबसे बड़ा बात उसमें जो नहीं है वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम महसूस करेगा, पर प्रॉब्लम महसूस कीजिएगा जिसमें वो आपका फ्यूल मीटर, तो गाड़ी में फ्यूल मीटर भी नहीं है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तो फ्यूल मीटर रहने से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है, तो नहीं है तो आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई ये कितना गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा, कितना तेज है, तो आपके आप पे निर्भर करता है। ठीक है, तो चूंकि गाड़ी में
गाड़ी का जो है फुल टैंक है वो है 13.5 लीटर का, यानी 13.5 लीटर का है, और रिजर्व में जब जाती है गाड़ी तो वो है 2.5 लीटर, मतलब ढाई। जब रिजर्व में आप गाड़ी चलेगी तो समझ लीजिए कि आपको गाड़ी में 2.5 लीटर तेल है, ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको चलाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात अगर करें तो बात आ रहा है आपका कि गाड़ी जो है, गाड़ी में जो है पूरा स्पोक व्हील है और ट्यूब वाला टायर है, ट्यूबलेस टायर नहीं है, ऑल व्हील नहीं है, तो ये आपकी थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाता है कि खास देखिए स्पोक वाला व्हील बहुत ही अच्छा होता है, खास करके उस लोगों के लिए जो कि जिसको गाड़ी का बहुत अच्छा नॉलेज है, पार्ट पुर्जा का नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वरिंग भी कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पोक व्हील बहुत अच्छा से जुगाड़ कर सकते हैं, कभी पंचर हो गया तो जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो बिल्कुल नए हैं, ज्यादा गाड़ी का अनुभव नहीं है, तो उसके लिए होता है कि मतलब ऑल व्हील और ट्यूबलेस टायर रहता है, तो उसको थोड़ा फायदा एडवांटेज, अब बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बाद में सपोज दैट कभी पंचर उन्चर हो गया तो समझ नहीं रहे हैं कि मतलब 20-25 किलोमीटर आप कम से कम गाड़ी चला सकते हैं और अपना गाड़ी आप किसी गैरेज में ले जाकर ठीक करवा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो आप समझ नहीं सकते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। फ्रेंड अगर इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है तो बहुत घबराने का बात नहीं है, क्योंकि अगर आप और 10-12 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ट्यूबलेस टायर लगा सकते हैं ऑलिवल के साथ भी, ठीक है, तो बहुत घबराने की बात नहीं है इसमें यहाँ पे। और एक चीज़ और बोलेंगे कि रॉयल इनफील्ड एक ऐसा गाड़ी है जिसमें कि हर पार्ट पुर्जा जो है वो चेंज हो जाता है, अगर आप चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, तो सब एवरीथिंग चेंज होता है, जो कि अदर गाड़ी में ऐसा नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। और लास्ट में और ये बोलना चाहेंगे हम कि अगर जहाँ आप गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले अपना डिमांड रिक्वायरमेंट ध्यान कीजिए कि मतलब रिक्वायरमेंट एक्चुअली आपका रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर डिसाइड कीजिए कि मतलब क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। फ्रेंड अगर आप मेरा ओवरऑल कंक्लूजन जानना चाहते हैं तो हम यही बोलेंगे कि रॉयल एनफील्ड एक ऐसा गाड़ी है जिसको आप लीजिएगा तो पछताइएगा, और नहीं लीजिएगा तो जिंदगी भर पछताइएगा, मतलब सिंपली आप लो तो पछताओ, ना लो तो भी पछताओ, ठीक है, और लेकर पछताने का 10 रीजन है, ठीक है, पर नहीं लेकर जिंदगी भर पछताने के लिए 1000 रीजन है, तो आप डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है, ठीक है। फ्रेंड जैसा कि बहुत ही छोटा छोटा चीज जो कि हम आप लोग से शेयर करना चाहते थे मगर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो आने वाला वीडियो में हम वो शेयर करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए और वो वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और लास्ट में ये बोलेंगे कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर बताइएगा कि अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा आप लोग को, ठीक है। और कुछ पार्ट अगर कुछ चीज छूट गया है हमसे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर आदमी को पता चले कि क्या छूट गया नहीं छूट गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद।